बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 501,000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपए के नए नोट जारी कर दिए। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपए और 20 रुपए के नोट जल्द लाएगा। शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपए के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है। नोट का रंग हरा है। 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी। नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा। इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपए के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे। क्या है नए नोट की खूबियां, आइए हम आपको बताते हैं। नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है। नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से पर 50 रुपए लिखा हुआ है। नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपए लिखा हुआ है। नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है। नए नोट में अलग अलग जगह छोटे शब्दों में आरबीआई भारत इंडिया और 50 रुपए लिखा है। महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वक्त और गवर्नर के हस्ताक्षर है। नए नोट का आकार 66 mm × 135 mm होगा। नोट के पिछले हिस्से में कई बाई तरफ नोट छपने का साल लिखा है। नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है। पिछले हिस्से में हम्पी की रथ के साथ तस्वीर है। आरबीआई जल्द ही 200 रुपए का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है। वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपए के नोट छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। 200 रुपए के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। हर पल सच्ची खबर के लिए आज हमें सब्सक्राइब करें।